ये देखिए होया जो है ये इसको निकाल रहे हैं, ये देखिए भुना है इसको। और अच्छा अभी आमदन जी इसको जो है आप इसमें जो चने के दाने की फली है तो उसको क्या बाहर निकालेंगे बिलक करेंगे? हाँ निकलेगा फिर चबाएगा। लेकिन आमदन जी ये तो बिल्कुल लकड़ी उसे मिक्स हो गया, कैसे निकलेगा ये दाना? हाँ इसको आज समेट देंगे इस तरह। नहीं वो तो खाने के लिए हो गया। हाँ। अब इससे कैसे निकालेंगे, इसमें तो बहुत आग वाग और लकड़ी वकड़ी का। अच्छा सूप से इसको फट लेंगे। अच्छा सूप से अलग हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अच्छा अच्छा फिर उसको तसले में डाल के हाँ अंदर ले जाएंगे फिर आपको चबवाएंगे। ओ वाह ये तो देखिए आमदन जी कितनी बढ़िया चीज़ खिलवाए हैं, बड़ी पौष्टिक। देखिए दोबारा भी ये पेड़ है, ये देखिए ये जल रहा है वापस, इसको ये भून रहे हैं हल्की आँच में। होला के साथ में चटनी भी खाया जाता है। चटनी चटनी में अच्छा लगता है। अभी चटनी किसकी हो? टमाटर की, धनिया की। ओ वाह है कैसे की चटनी हो? लाल मिर्च। वाह वाह मंगल जी आपने तो कल खाया ये खेतों में खाया था आपने? देखिए मंगल जी है ये मंगल सिंह जी। मजा नहीं आया सर, थोड़ा इतना पाया है। अच्छा कम पाया इसने? कम पाया। ऐसा क्यों भाई, कम भुना गया? कम था ना। ओहो और बड़ा टेस्टी रहता है ये जी। तो इसलिए मंगल सिंह जी इसको कल पूरा इनका मतलब मन नहीं भर पाया खा के। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी इसको कभी अगर मौका लगे गाँव जाएँ या ग्रामीण क्षेत्र में जरूर खाएँ आप। और बहुत ही देखिए पीछे कंडे भी हैं, यहाँ ग्रामीण पूरा अंचल है। देखिए भैंस भी है और देखिए ये भैंस का ये एक भैंस की बेटी भी है, ये देखिए पीछे गैया का बछड़ा बैठा बछड़िया बैठी हुई है। ये देखिए आमदन जी वापस इसको भून रहे हैं जो पेड़ बचे हुए थे। और ये देखिए भूनने की स्टाइल है ये, नहीं तो ये पूरा जल जाएगा। और देखिए राम राज जी भी हैं, ये खड़े हुए हैं। ये राम राज जी खाया आपने ये भूलो होला? उन्होंने खाया, उन्होंने हाँ कहा है। और ये गाँव में जनरली सभी लोग खाते हैं और पौष्टिकता से भरपूर रहता है ये और बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये। इसको होया बोलते हैं, राम जी क्या बोलते हैं इसको? होला बोलते हैं। अच्छा तो ये जब फसल आ जाती है मतलब जब ये पेड़ तभी होता है ये? पहले बिरवा होता है। अच्छा फिर ये जब पीला पड़ जाता है। हाँ जी तो इसको होला बोलते हैं। अच्छा अच्छा पहले निहोना खाया जाता है। निहोना? हाँ। अच्छा देखिए बड़ा ये बहुत बढ़िया डिश है ये हिंदुस्तान के ग्रामीण अंचल की है, ये सदियों से लोग खा रहे हैं इसको। और पौष्टिकता से भरपूर है, विटामिन ई विटामिन बी कई चीज़ें इसमें हैं वो कि पौष्टिकता से ग्रामीण अंचल में ही सब चीज़ ज़्यादा होती हैं और लोग इसको इंजॉय करते हैं। ये एक लाइफ लाइफ है देखिए ये।